हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। ये गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, तो ये दोनों ही आप देखिएगा और स्किप किए बिना देखना। तो आज मैं इसमें बताऊँगी आपको कि एलोवेरा के यूज़ से आपके बाल जो है लंबे, घने, मोटे और सिल्की और स्मूथ होंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्किप किए बिना ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना और कमेंट जरूर करना। आप कैसे वीडियो देखना पसंद करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। इससे थोड़ी सी क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट से और मुझे आइडियाज भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जरूर देखते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हमने देखिए एक बाउल में पानी लिया है और दो एलोवेरा प्लांट लिया है। इस प्लांट को इस पानी में हम धो लेंगे ताकि जो एलोवेरा में जो भी गंदगी है वो अच्छे से साफ हो जाए। तो दोनों प्लांट को हमें अच्छे से धो लेना है और उसके बाद हमें एलोवेरा के साइड में जो कांटे होते हैं उसे हमें नाइफ से कट कर लेना है। तो दोनों साइड से जो कांटे हैं उसको हमें अच्छे से निकाल लेना है। फिर इसे हम दो पार्टों में कट कर लेंगे और इसके अंदर के जो जल है उसको हम निकाल लेंगे। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको सेम करते जाना है। फ्रेंड्स, एलोवेरा की बहुत ही फायदे हैं, ये हमारे स्किन एंड हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा में कुछ पोर्जुलेटेड एंजाइम नाम के पदार्थ होते हैं जो आपकी स्केल के डेड स्किन को रिपेयर करते हैं और मजबूत बाल उगाने में मदद करते हैं। एलोवेरा एक कंडीशनर के रूप में भी काम करता है और आपके बालों को सिल्की और शाइनी और स्मूथ बनाने में भी मदद करता है। तो इसी तरह सारे जल को हमें एक कटोरी में निकाल लेना है और इस जल को हमें ग्राइंडर जार में डाल के अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट बनने के बाद थोड़ा सा आप देख सकते हैं झाग बन गया है, इसे हमें कटोरी में निकाल के साइड रख देना है। अब जो है एलोवेरा के जो ग्रीन पार्ट था उसे हमें फेंकना नहीं है, उस ग्रीन पार्ट को लेके आपके स्केल पे ऐसे रब करते जाना है और बालों को उठाते जाना है, साथ ही साथ आपको रब करते जाना है। इस ग्रीन पार्ट को आपको ऐसे लगाने से क्या होगा, आपके अगर स्केल पे डैंड्रफ है तो डैंड्रफ नहीं रहेगा और साथ ही साथ अगर आपके स्केल जो है डैमेज हो गया है तो ऐसे जल लगाने से आपके स्केल जो है अच्छा भी हो जाएगा। आपके स्केल पे अगर खुजली होती है तो खुजली भी नहीं होगा। तो एलोवेरा जल के बहुत सारे फायदे हैं। एलोवेरा में एक केमिकल मेकअप भी होता है जो करली एंड सिमरली भी होता है, जो आपके बालों के ज़रूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन देता है और आपके बाल सिल्की एंड स्मूथ बनाता है और आपके बाल लंबे और घने होते हैं। और ये जल लगाने के बाद आपके बालों को अच्छे से थोड़ा सा मसाज करना है और एलोवेरा जो जेल हमने बना के रख दिया था उसे हमें लेना है। फिर जाके इसमें हेयर ऑयल डालना है, जो भी ऑयल आप अपने हेयर पे लगाते हैं वही ऑयल इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर जाके आपके स्केल के ऊपर इसी जेल को अप्लाई करना है, साथ ही साथ आपके हेयर पे ऑयल भी लग जाएगा और आपको ऐसे बाल घुमाते हुए जेल को अप्लाई करते जाना है और आपके बालों के लेंथ जितना भी है वहाँ तक आपको जेल को अप्लाई करना है। तो बहुत ही आसान है इसे लगाना और लगाने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि ये रेमेडी आपको कैसा लगा है, आपके हेयर पे कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं और अच्छा लगा है कि नहीं ये वीडियो, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एलोवेरा एक नेचुरल तत्व है जो अपने साथ खजाना लेके आता है, इसे आप अपने घर पे, अपने गार्डन पे, अपने बालकनी पे लगा सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से प्लांट जो है हो भी जाता है। तो हमने जल को सारे बालों के ऊपर अप्लाई कर लिया है और इस जल को कोई भी बालों वाले लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बालों पे ये एलोवेरा जल सूट होगा कि नहीं, ये किसी भी बालों के ऊपर एलोवेरा जल जो है सूट होगा। तो आप बेझिझक लगा सकते हैं और इसे 2 घंटे के बाद हम वॉश कर लेंगे और जो भी शैम्पू आप लगाते हो उसी शैम्पू से आप वॉश करना और लास्ट में आपको कंडीशनर ज़रूर लगाना है। कंडीशनर आपकी स्केल पे मत लगाना, उस पर बहुत सारे केमिकल होता है।
होता है कंडीशनर में, इसलिए आपके बालों की लेंथ भी लगाना चाहिए कंडीशनर हमेशा। और उसके बाद आपको 2 या 5 मिनट जितने टाइम आप रख सकते हो रख के हेयर वॉश कर लेना। और हेयर वॉश करने के बाद आप देखना आपके बाल बहुत ही सिल्की, बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी हो जाएगा। और आप अपने बालों को देखकर आप बहुत खुश होने वाले हो और मुझे बताने वाले हो कि आपने जो रेमेडी हमें बताया बहुत ही यूजफुल था। तो आप हेयर वॉश करने के बाद रिजल्ट देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं भी आपको दिखाऊंगी आफ्टर कि मेरा जो हेयर है बहुत ही सिल्की और शाइनी सॉफ्ट हो जाएगा। तो वेट करना फ्रेंड, 2 घंटे बाद फिर मिलते आपसे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मेरी बाल जो है बहुत ही सिल्की और स्मूथ बन गया है, और बालों में देख सकते हैं कितनी शाइन आ गई है। तो आपको एलोवेरा ज़रूर ट्राई करना चाहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये रेमेडी आपको कैसा लगा है और ये हेयर पैक आपको कैसा लगा है। तो अभी मैं बैक कैमरा से आपको पीछे का हेयर भी दिखाऊंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी ज़रूर करना, और आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट तो ज़रूर करना। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।